अस्सलामुअलैकुम साथियों। तो जैसा ये आपको बताया था कि लगभग 3:30 हम चंडीगढ़ पहुंचे थे। चंडीगढ़ पार करके हमने यहाँ पर एक बहुत करीम होटल था, होटल में रुके हम, नसीब होटल में हम यहाँ पर रुके थे। और अभी लगभग 7:45 हो चुके हैं और हम यहाँ से निकल चुके हैं मनाली के लिए। होटल वाले भी बता रहे हैं यूट्यूब के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए, हमें भी पता चला है कि रश बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो हमारा आज का टारगेट रहेगा लगभग 4 या 5 हम वहाँ पर पहुँचे कैसे भी करके मनाली में। नाश्ते का अतिथि देवो भव होटल का नाम है। अब वो तो खाने के बाद में पता चलेगा किस तरीके से ये अतिथि रुकवाई है नाश्ते का नाम लेकर, लेकिन जिस तरीके का इनका मूड है उससे लग नहीं रहा कि नाश्ते में ही रुक जाएंगे। अभी देखते हैं क्या रहता है। नाश्ता वो नाम लेगी, वो नाश्तो कर रहे हैं, देख लो भाई। नज़दीक पहुंच चुके हैं और यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है, तो कुल्लू में रुक के थोड़ा एंजॉय करेंगे और कुल्लू को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे उसके बाद में मनाली पहुँचेंगे। अभी back,
Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get. ये है यहाँ पर रोड वगैरह का काम चल रहा है. ये देखिए टनल बन रहा है. गवर्नमेंट की तरफ से जगह जगह रोड बनाई जा रही है. जो टूटी फूटी रोड है उनको सुधारा जा रहा है. बाकी जगह जगह टनल बन रहे हैं जिससे मनाली का रास्ता और भी आसान हो सके. तो काफ़ी परेशान हो चुके हैं रास्ते की वजह से. तो अभी बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं क्योंकि अब जितना परेशान होना था उतना हो चुके हैं. हाँ तो भाई आज इतने परेशान हो चुके हैं रास्ते की वजह से. हालांकि इसमें किसी की गलती नहीं है क्योंकि जगह जगह रोड का कार्य चल रहा है. और बारिश बोल रहा है मेरी गलती है. रोड का कार्य चल रहा है तो इसमें कर भी क्या सकते हैं क्योंकि ये मतलब टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ही ये काम हो रहा है ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके और जो टूरिस्ट आते हैं वो परेशान ना हो. उनकी परेशानियों को हल करने के लिए ही यहाँ पर ये जो अटल जो टनल बन रहे हैं ताकि जो गाड़ियाँ आएँ वो और ज़्यादा आसानी से आ सके. हालांकि मैं जब 2018 में आया था तो रोड बहुत ही शानदार थी. तो उसको और बेहतर बनाने के चक्कर में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बेहतरीन तरीके से ख़राब हो रखी है और हालत ख़राब हो गई है. सुबह 8:30 बजे से लगातार सफ़र ही कर रहे हैं. बीच बीच में एक दो जगह नाश्ता और खाने के लिए स्टॉपेज लिया था. बाकी ये देखो ये जो ट्रक है ये ऊपर जाएगा इस साइड. दिखाता हूँ एक बार आपको. यहाँ पर टनल वगैरह बन रहे हैं, काम चल रहा है. तो वो काम माल मटेरियल वगैरह ले जाने के लिए ये ट्रक जा रहे हैं. इनकी वजह से ही पूरी ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है. अभी गाड़ी में डल रही है हवा और डीजल से टैंक फुल करवाया है. इससे पहले जब डीजल डलवाया था तो 4100 रुपये का आया था और अभी 3400 रुपये में फिर से टंकी फुल हो गई है.